जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ टाटा हैरियर का। ये जो आप सामने ये जो गाड़ी देख रहे हैं इस समय वीडियो में, ये टॉप मॉडल है इस गाड़ी का। जैसे कि आप सभी को पता ही है ये गाड़ी बड़ी आकर्षक लगती है, तो पहले एक बार देख लेते हैं इसको फ्रंट से, साइड प्रोफाइल इसकी और बैक प्रोफाइल कैसी लगती है। हर एंगल से मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। 17 इंच के एलॉयज इसमें दिए गए हैं, तो ये थोड़े बड़े हो सकते थे मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसके अलावा गाड़ी में जो गाड़ी की ओवरऑल लुक्स है वो बहुत ही आकर्षक लगती है। पीछे की तरफ से भी आप देखेंगे तो बड़ी यूनिक सा डिज़ाइन में टाटा ने देने की कोशिश की है, और काफ़ी बड़ी ये गाड़ी महसूस होती है जब आप इसको देखेंगे। जो आप एग्जॉस्ट देख सकते हैं ये भी पूरी तरीके से कवर किए गए हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात मुझे लगी। अब दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर गाड़ी में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो जो विंडोज़ है उसमें काफ़ी स्पेस दिया गया है जैसा आप देख सकते हैं, और लेदर टाइप का मटेरियल भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, वुड फिनिश भी इधर यूज़ की गई है। जो कंसोल है वो फुल्ली डिजिटल है, काफ़ी बड़ा डिजिटल कंसोल इसमें दिया गया है। स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन भी इसमें दिया गया है। जो स्टेयरिंग है आप इसको ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों तरफ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जो इसमें बटन्स हैं लगभग हर तरह का कंट्रोल स्टीयरिंग पर ही दिया गया है गाड़ी में, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये इसका म्यूजिक सिस्टम है जो कि बहुत ही दमदार है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मोड्स दिए गए हैं, 6-स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ये गाड़ी आती है। यहाँ पर कप होल्डर दिए गए हैं, साथ में अंदर भी यहाँ पर काफ़ी स्पेस दिया गया है, चार्जिंग भी आप कर सकते हैं इसमें। और हैंड ब्रेक जो है वो थोड़ा अलग दिया गया है, लेकिन फील इसकी काफ़ी अच्छी आती है। जो फ्रंट सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है, और जो मटेरियल उसका यूज़ किया गया है वो भी बहुत अच्छा किया गया है। अब अगर मैं ग्लव्स बॉक्स की बात करूँ तो काफ़ी स्पेसियस है, और मटेरियल जो यूज़ किया गया है ओवरऑल गाड़ी में वो बहुत अच्छा मुझे लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है ग्लव बॉक्स में भी। ऊपर लाइट दी गई हैं, पीछे की तरफ भी लाइट्स दी गई हैं, आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। और दूसरी साइड में यहाँ पर एक छोटा सा शीशा दिया हुआ है। तो ये इसका आगे का जो भी था मैंने बताया आपको, पीछे लाइट दी गई है। अब मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि पीछे गाड़ी में कैसा स्पेस है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सीट कितनी आरामदायक है। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो इसकी रियर पैसेंजर की जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, और तीन पैसेंजर आराम से इसमें बैठ जाते हैं। मैंने बैठाकर चेक किया है, देखा है, आराम से तीन पैसेंजर बैठ जाते हैं। इसके अलावा जो लेग रूम है और जो हेड रूम है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट हैं, किसी तरह की भी कोई इशू नहीं है। टाटा ने काफ़ी ध्यान दिया है कंफर्ट लेवल के ऊपर। यहाँ पर हैंड रेस्ट है, कप होल्डर भी उसके साथ में है। साथ ही साथ आगे भी थोड़ा स्पेस दिया गया है, ऊपर की तरफ एक और लाइट दी गई है, बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर स्पेस दिया गया है, इसमें आप अपने मोबाइल वैलेट वगैरह कुछ चीज़ें रख सकते हैं। पीछे की तरफ भी गाड़ी में एसी वेंट्स दिए गए हैं, और उनकी जो एसी जो है गाड़ी का बहुत ही अच्छा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इसकी बूट स्पेस है वो 425 लीटर्स की है, जो बहुत बड़ा है, और आराम से आप उसमें सामान रख देंगे। किसी वजह से इसकी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों ये थी इस गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो कर लें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें। जय हिंद, टेक केयर।